जी नमस्कार, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 पार्ट 2 एपिसोड 2। यानी आपने रेशनल नंबर का क्वेश्चन पढ़ा था और रेशनल नंबर के बीच में आज हम इरेशनल के बारे में सीखेंगे। आज हम पाइथागोरस से मिलाएंगे, डेविडेंट से मिलवाएंगे, जॉर्ज कैंटर साहब से मिलवाएंगे और दिखाएंगे इरेशनल नंबर क्या है। आइए हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर को हम लोग पहला यह है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिखने में असमर्थ हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर रूट 2 है, इसकी वैल्यू 1.414 समथिंग 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 होता है। आपको पता है? पता है? नहीं पता है। अगर ये रूट 2 का हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते तब तो मैं इसको लिख सकता था, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू को हम नहीं दिखा सकते, नहीं लिख सकते। लेकिन रेशनल इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो हमारे पास अगर पाइथागोरस साहब की बात किया जाए, अगर रूट 2 को दिखाना है तो यहां से 1 यूनिट ऐसे और 1 यूनिट ऐसे और ये वाला वैल्यू रूट 2 हो गया। अब तुम्हारे पास यहां से एक यूनिट फिर है, ये आपका रूट 3 हो गया। तो एनसीईआरटी का अगर लास्ट नंबर क्वेश्चन की बात करोगे, जैसे ये P1, ये P2, ये P3 और फिर 1 यूनिट पर खड़ा हुआ, यहां रूट 4 हो गया, फिर यहां पर खड़े हो गए रूट 5 हो गया। लेकिन समस्या यहां यह है कि नंबर लाइन पर रूट अंडर एक्स को दिखाना है, यह काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर तुम्हें कंसेप्ट मुझे देना पड़ेगा एम जीएम एचएम का। अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है तो अर्थमेटिक मीन बिल्कुल आसान, ए प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी और हार्मोनिक मीन 2ab a प्लस बी। ये तुमको फिजिक्स के एवरेज स्पीड में काफी काम देगा। यानी इसको अगर 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी इसका am हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 और ये जीएम है। इसको सबसे पहले कार्ल पियर्सन नाम का मैथमेटिशियन ने इसको कहा था। क्या कहा था थोड़ा सुन लो। बोला ये एक सेगमेंट है और ये बी सेगमेंट है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसका पहले बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट किया तो यहां सेंटर निकल गया और ये रेडियस हो गया, ये सर्किल हो गया, सेमी सर्किल, और इसको कहा कि ये जीएम है, ए वाला एएम है और ये वाला एचएम है। यह बात को बहुत सारे मैथमेटिशियन का पसंद नहीं आया, बोला हम नहीं मानेंगे
कि एजीएम है, यानी ये वाला ही रूट अंडर एक्स हो जाएगा अगर ए बराबर हम एक्स ले लिया और बी बराबर वन ले लिया। तब इसको अब मैथमेटिकल ढंग से प्रूव करने का प्रयास, ये ओरिजिन है, ये एक्स है, यहां से एक यूनिट लिया, मिटाना पड़ेगा। ये ओरिजिन है, यहां से एक यूनिट, और ए वाला ओहो एक यूनिट। नामांकन कर देते हैं ए ओ आई बी। अब इसका सेमी सर्कल खींचते हैं, अब ये रूट अंडर एक्स, यहां ही मिड पॉइंट, ये वाला एक्स प्लस वन बाय टू, ये वाले को सी मान लो, ये वाले को पी मान लो। अब ये वाला रूट अंडर एक्स है क्यों? अगर ये बात को तुम साबित कर दोगे तो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। देखो तुमको दिया हुआ है क्या, सीपी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू, सीओ क्या हो जाएगा, सीओ को लिख सकते हो सीबी माइनस ओबी। सीबी क्या है, रेडियस, तो एक्स प्लस वन बाई टू, ओबी वन है, तो यहां x प्लस वन माइनस टू बाई टू, यानी x माइनस वन बाई टू। अब यहां पर देखना यह है कि यहां pc स्क्वायर इज इक्वल टू co का स्क्वायर op का स्क्वायर। अब मुझे OP निकालना है तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर माइनस CO स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू X प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और X माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी यहां OP स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सॉल्व किया तो X स्क्वायर टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस वन बाई फोर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वन से वन कट गया, यहां पर फोर एक्स बाई फोर कट के क्या हो गया एक्स, यानी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी ओपी बराबर रूट अंडर एक्स साबित हो गया। यानी आपको नंबर लाइन पर कैसे दिखाना है, ये बिल्कुल आपका आसान, यानी अब आपको रूट अंडर एक्स दिखाना रहे तो आराम से दिखा सकते हैं। ये ओरिजिन है, इसके बाएं तरफ एक्स और इधर वन, खींच देंगे सेमी सर्कल और ये वाला जो डेटा हुआ यही रूट अंडर एक्स है। आपकी जब एनसीईआरटी किताब की हम बात करेंगे तो वहां पर दिखाना है 7.3। हम समझते हैं कि सब लोग दिखा देंगे, बिल्कुल, ये ओरिजिन है, ये 7.3 है, ये वन है, यहां सेमी सर्कल खींच दिया और ये रूट अंडर 7.3। अब बताओ रूट टू दिखाना है, आसान हो गया कि नहीं हो गया, क्या करोगे? ये ओरिजिन है, इधर से दो यूनिट और ये वन यूनिट, सेमी सर्किल खींच दिया, ये रूट टू हो गया, यानी बिल्कुल आसान है और आपने कर लिया। अब हमारे पास दो मुद्दे आया, मुद्दा क्या है कि रे
नंबर है। यानी यहां पर एक के खाने में इरेशनल नंबर है और एक के खाने में रेशनल नंबर है। पता है जोड़ोगे तो क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे 2+√3, 2 रेशनल है, ये इरेशनल है। घटाओगे तो क्या होगा? इरेशनल होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इरेशनल होगा। डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इरेशनल होगा। यानी कहने का सेंस कि एक तरफ इरेशनल है और एक तरफ रेशनल है, और ये चार ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वह इरेशनल ही होगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इरेशनल इरेशनल की हम बात करें तो यहां √2 है और यहां पर माइनस में √2 ले लो। अब ऐड कर दो, √2 - √2 कट के क्या हो गया? 0, रेशनल नंबर हो गया। यह बात को समझना है कि इरेशनल इरेशनल के बीच में ऑपरेशन रहेगा तो वह कंडीशनली होगा, लेकिन ऐसे होगा तो कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, इरेशनल होगा मतलब इरेशनल होगा। अब एक महान गणितज्ञ का यहां पर लेमा पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली ये जॉर्ज कैंटर साहब का लेमा है। अब तू सोचोगे फादर तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अरे भाई मैथ तो है ना, और ऐसु कहा जाता है कि कैंटर साहब का, ये सेट थ्योरी के भी फादर है, कोऑर्डिनेट पर भी किए, लेकिन इससे ज्यादा कोऑर्डिनेट करने वाला रेन डिस्कार्ते हो गया। यानी रेन डिस्कार्ते कोऑर्डिनेट का फादर हो गया, सेट थ्योरी को हो गए। अब इन्होंने कहा क्या कहा सुनो, लेमा होता क्या है? लेमा होता है यानी जो हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं। उन्होंने देखा क्या कि यह 16 है, यह स्क्वायर वाला पहले नंबर लिखा 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है। 1 पर उन्होंने नहीं सोचा, 4 पर नहीं सोचा, 9 पर नहीं सोचा, ये 16 पर सोचना चालू कर दिया। 16 को देखें कि 2 से कट रहा है, जब इसका स्क्वायर रूट किया 4, ये भी 2 से कट रहा है, बोले चलेगा। अब वहां पर 25 को देखें, 5 से कट रहा है, इसकी रूट भी 5 से कट रहा है। 36 को देखें, 6 आया, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 6 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। उन्होंने बोलना चालू कर दिया। क्या बोलना चालू कर दिया? पता है, पता करो कि अगर ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर काटती है, ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर काटती है तो वह ए को भी काटेगी। समझ में आया कि नहीं आया? यह लेमा महान गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर साहब का है। और कैसे उन्होंने सोचा, यही आपको एनसीईआरटी किताब में थ्योरम होगा, और थ्योरम नंबर 1 होगा। देखा जाए थ्योरम नंबर 1 की बात करेंगे तो यही आपका यहां पर थ्योरम होगा कि अगर ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर काटती है तो ए को भी प्राइम नंबर काटेगी। यह आपका यहां पर यह कंसेप्ट आपका होगा। तो अब पहचानने की अगर हम बात करें तो यहां पर कैसे हम लोग पहचानेंगे, क्योंकि यह जो थ्योरम है यह आपका थ्योरम को पहले आपको कबूल करना पड़ेगा। तब तक आप जब तक कबूल नहीं करेंगे गाड़ी को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक इस थ्योरम को कबूल नहीं करेंगे आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। इसलिए
आपको इस थ्योरम को पहले दिमाग में सेट करना होगा। अगर आपने थ्योरम को सेट कर लिया है तो बहुत अच्छा, और नहीं सेट किया है तो कर लीजिए, तभी आप कर पाएंगे। हो सकता है कि आपका यह थ्योरम आपको 10th में पढ़ा है, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है। यहां पर आपको हो सकता है कि प्रूफ के लिए 9th क्लास में ना दे, लेकिन अगर देगा भी तो आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया कि √2 इरेशनल नंबर है, कैसे मानोगे? इसकी पी अपॉन क्यू कर दो, मान लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो पी स्क्वायर और यहां पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर इजकल टू 2q स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस या नो? यानी ये सोचो पी स्क्वायर को ही 2 काट रहा है, यानी पी को भी काटेगा। और चूंकि तुम जानते हो कि प्राइम नंबर में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्राइम नंबर हो जाता है तो पी और क्यू का एसीएफ 1 होता है, लेकिन यहां पर एसीएफ कंट्राडिक्ट कर जाएगा। यह बात को तुम्हारे पास बिल्कुल जानने की जरूरत था, और तुम्हें यहां पर क्वेश्चन तो ज्यादा कुछ नहीं है, अब इसको तुम लोकेट करने के लिए था, और यह करने प्रूव करने के लिए वो भी आपको हम बता दिए। अब हम प्रश्न करेंगे। आ गया क्वेश्चन विंडो का टाइम, यार क्वेश्चन विंडो का टाइम तो थोड़ा पहले आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करते हैं। करें स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर, हां बिल्कुल रियल नंबर का दो बेटा, एक बेटा का नाम रखा रेशनल और दूसरा का नाम रखा इरेशनल। आप समझ सकते हैं, सही है। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम, वेर एम इज द नेचुरल नंबर। बिल्कुल नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। यहां कह रहा है एवरी रियल नंबर इरेशनल, नो। अगली प्रश्न, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नो। स्क्वायर रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर का निकालोगे तो रेशनल हो जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो इरेशनल हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे रूट अंडर 1 रेशनल है, रूट अंडर 2 इरेशनल है, रूट अंडर 3 इरेशनल है, रूट अंडर 4 रेशनल है, रूट अंडर 5 इरेशनल है, रूट अंडर 6 इरेशनल है, रूट अंडर 7 इरेशनल है, रूट अंडर 8 इरेशनल है, रूट अंडर 9 3 हुआ रेशनल है। यानी आपका रेशनल इरेशनल समझना बिल्कुल आ गया, यानी रूट में स्क्वायर रूट में अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो बाहर निकलेगा रेशनल नंबर, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो बाहर निकालेगा इरेशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन का जवाब आपका मिल गया। अगली प्रश्न आपके पास √5 कैन वी रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, बिल्कुल। तो एक अगर बुक के मेथोलॉजी से करोगे तो यहां ये 0 है, ये 1 है, यहां से 1 यूनिट लोगे ये तुम्हारा √2 हो जाएगा, यहां से 1 यूनिट लिया ये तुम्हारा √3 हो गया, फिर 1 यूनिट लिया ये √4 हो गया, और यहां से 1 यूनिट और लिया √5 हो गया। वन ही तो है, यहां से परपेंडिकुलर होता है, खड़ा करते हैं ये 90 डिग्री पर खड़ा होगा, यहां भी 90 डिग्री पर खड़ा होगा, 90 डिग्री पर खड़ा होगा,
लेकिन इसकी शॉर्टकट तरीका भी बताया गया। योर्जिन है ए वाला 5 यूनिट और ए वाला 1 यूनिट। अब इसकी सेमी सर्कल खींचना है तो परपेंडिकुलर बायसेक्ट करना पड़ेगा। अब यह सेमी सर्कल खींच दिया, ये वाला जो बात हुई यह √5। ये दोनों मेथड से क्लियर हो गया। अगली प्रश्न यही है जो हमने पहले से करवा दिया है, बोलो। यानी इसमें हम पेन को चेंज कर दें, एक कहता है कि आप वो एक पॉइंट ले लें, यहां से बनाएंगे तो सुंदर बनेगा, वो एक पॉइंट ले लें। पहला लाइन सेगमेंट P1 है, बोलो यस या नो, बोलो। अब P1 P2 OPM पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, P2 को जितना यूनिट रहेगा उतना यूनिट, क्लियर है? तो ये आपको दिखेगा √2। हार नहीं मानना है दोस्तों, यहां फिगर होनी चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर है तो फिगर का कोई गम क्यों, ये फिगर हटाइए, फिगर तो सर खुद खींचते हैं। अब P2 को मानते हुए P2 यहां से P3 इस पर परपेंडिकुलर खिंचाएगा, ये परपेंडिकुलर खिंचाया और देश का नाम हुआ P3 और एक यूनिट आपने खींचा। अब ये √2 था, ये 1 था, √2 का स्क्वायर 2 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 1 3 हो गया और दिस बाय लोइन था √3। समझ में आ रहा? अब हम हार नहीं मानना है, अब ही हार नहीं मानना है। OP3 पर पुनः परपेंडिकुलर खींचा गया और इसका नाम रखा गया P4। अब गौर से देखो, ये √3 है, ये 1 है, √3 के स्क्वायर 3 हो गए, 1 के स्क्वायर 1 हो गए, 3 1 4 हो गए, यानी ये वैल्यू √4 आल्सो इज अ रेशनल नंबर। अभी भी हार नहीं मानेंगे। OP4 को मेन लाइन मानते हुए पुनः फिर से परपेंडिकुलर खींचेंगे और यह P5। अब गौर से देखो मेरे भाई, यह 2 था, यह 1 था, 2 के स्क्वायर कितने हो गए 4, यहां 1 हो गया, यह 90 डिग्री आपने खींचा, बताइए √5 हुआ कि नहीं? अरे इससे पहले क्वेश्चन तो यही था ना, बोलो ऐसा नो, बोलो। लेकिन मेरे दोस्तों ये खींचते चलेंगे क्योंकि समय भी तो काटना है, खींचते चलेंगे। P6 हो जाएगा, फिर एक यूनिट हो गया, यानी ये वाला वैल्यू कितना हो गया जल्दी बताओ, क्या छोड़ेंगे? ये स्पाइरल बनते चला जाएगा और एक ब्यूटीफुल बनेगा कि प्रत्येक नेचुरल नंबर को स्क्वायर रूट में दिखाएंगे। ये हमारे पाइथागोरस साहेब का कथन था, लेकिन शॉर्टकट करने के लिए पियर्सन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कल पियर्सन को आपके पास लाना पड़ेगा, किनको लाना पड़ेगा? कार्ल पियर्सन को। तो आपको यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है? अगर यहां तक में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो अपनी तकलीफ को बता सकते हैं, अपनी तकलीफ दूर कर दिया जाएगा। अगले चैप्टर में हम लेके आएंगे 1.3 लेके आएंगे, पता है क्या, इरेशनल नंबर का एडिशन सिखाएंगे, रेशनल इरेशनल का ऑपरेशन करना सिखाएंगे, उसमें साबित करना बेसिकली 10th क्लास का था, लेकिन इसी महीने तो मिल गया ना, नंबर लाइन पर दिखाने आ गया तो देखो, फिर बताएंगे 2 इरेशनल नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर निकालते हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर निकालते हैं, ये सब बातें चीत करेंगे। आप पूर्ण रूप से वीडियो देखें
आपको हम वादा करते हैं कि पहले मैं यूनिट बाई चैप्टर बाई चैप्टर दूंगा, जैसे एक्सरसाइज बाई 1.1 दिया, 1.2 दिया, 1.3 दिया, 1.4 दिया, 1.5 दिया, 1.6 दिया, मिसलेनियस दिया, और फिर वन शॉट भी दूंगा, नॉन स्टॉप। यानी नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम नॉन स्टॉप होगा। नंबर सिस्टम मतलब पूरा कंप्लीट। अब ये नहीं कि नंबर सिस्टम में सर 5 में पढ़ रहा था, मैं 6 में पढ़ा सर, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, 12 में पढ़ा। अरे भाई, फैमिली ऑफ नंबर एक बार पढ़ लिया वन शॉट में, तो वो 10th में भी काम देगा, 11th में भी काम देगा, 9th में भी देगा, 8 में भी देगा, 7 में भी देगा। तो 1.3 लेके आ रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बने रहे हैं। खत्म।